गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग 3.3 प्रश्नावली उदाहरण सहित कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने आपको कहा था कि 3.1 प्रश्नावली में हमारे कुछ प्रश्न रह गए हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो, 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है ना बेटा, इसमें एक तो है डिग्री और रेडियन वाले क्वेश्चन। डिग्री को क्या करना, रेडियन में चेंज करना या फिर रेडियन को डिग्री में चेंज करना, आपस में इनको बदलने वाले प्रश्न है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी 3.1 प्रश्नावली में एक और फॉर्मूला है और एक और अन्य टाइप के हमारे क्वेश्चन है, वो देखेंगे आज। तो सबसे पहले आप बेटा यहाँ एक फॉर्मूला देखिए, सभी लोग पढ़िएगा मेरे साथ फॉर्मूला, कि कौन बराबर चाप बटा में त्रिज्या, ठीक है, कौन बराबर चाप बटा में त्रिज्या, ठीक है, कि कौन बराबर क्या होता है बेटा, चाप बटा में त्रिज्या होती है। अब देखो, कौन को आप लिखते हो थीटा, ओके, कौन को आप क्या लिखते हो थीटा, चाप की जो लंबाई होती है लेंथ, ठीक है, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, यहां चाप की जो है हम लंबाई लेते हैं, इसलिए इसको लिखा जाएगा एल, ठीक है। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसलिए आएगा आर। तो थीटा बराबर एल बटा में आर, ठीक है ना। ये देखो, ये सिंबल्स के रूप में फॉर्मूला है और ये मैंने पूरा लिख रखा है, कोण बराबर क्या होता है चाप बटा में त्रिज्या, इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर एल बटा में आर। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप मुझे ये बताइए कि इस फॉर्मूले से आपको क्या प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले से हमें थीटा प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा। अब कोण का मान डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है, परंतु ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से जो थीटा आएगा ना, हमेशा आपका रेडियन आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से कोण का मान निकाल रहे हैं तो वो रेडियन में आएगा, ठीक है, और यदि इस फॉर्मूले के अंदर आप थीटा का मान रखने वाले हैं तो रेडियन में ही रखिएगा, इसमें थीटा रेडियन का होता है, ये ध्यान रखिएगा। बस डिग्री मत, कल को आपको थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया जाए, आप यहाँ लिख दो 30 डिग्री, नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये फॉर्मूला थीटा को कौन से पदों में एक्सेप्ट करता है, रेडियन के पदों में, ठीक है। अब आप कहेंगे थीटा एल आर है क्या चीज, तो देखिए ये देखो, ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, इस तरह से आपको एक वृत्त दे दिया जाएगा, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ठीक है, ये हो गई आपके पास चाप की लंबाई, ये हो गई आपके पास में चाप की लंबाई। माना आपको वृत्त का कोई चाप दिया हुआ है या चाप की लंबाई दी हुई है, ये चाप आपके पास बेटा है, ठीक है, इस चाप की लंबाई को हम L लिखते हैं, A से लेके B तक की जो दूरी है ये हमारी चाप है और उसकी लंबाई क्या है L। इस चाप द्वारा जब आपसे पूछा जाए कि चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण कितना होगा, कि इस चाप द्वारा इस केंद्र पर आंतरित कोण कितना होगा, यानी ये जो चाप है ना AB, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण ज्ञात करने के लिए ही इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको कहा जाए कि चाप की लंबाई L है और इस वृत्त की त्रिज्या R है, तो केंद्र पर आंतरित कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे सर थीटा बराबर होगा L बटा R, थीटा बराबर होगा L बटा में R। और ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर छोटा सा C लगा दीजिएगा थीटा के ऊपर, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो थीटा का मान आएगा सदैव रेडियन में आएगा। तो समझ गए बेटा आप कि थीटा बराबर क्या होता है, L बटा में R। चलिए अब आप पढ़िए उदाहरण नंबर 3, कि यदि आपके पास में 37.4 सेंटीमीटर, देखो बेटा एक्चुअल में मेरे पास जो बुक है ना वो इंग्लिश मीडियम की थी और उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ प्रश्न लिखे हैं, हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी किताब से अलग हो जाए, बट ये जो मैंने जो लैंग्वेज लिखी है ये बहुत आसान भाषा है। आप चाहें तो पहले अपने बुक में सवाल पढ़ सकते हैं, उसके बाद में इनको पढ़िएगा, मतलब एक ही है, ठीक है, वही क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। बस ये है कि मैंने कन्वर्ट किया, तो हो सकता है इसकी शब्दावली जो है बहुत ज़्यादा आसान होगी हो,
ठीक है। तो देखो एक 37.4 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, 37.4 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो आप कहेंगे सर हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। हमें चाप की लंबाई दी गई है, देखो बेटा कितनी लंबाई का चाप है बोलो, 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण दे दिया आपको थीटा, दे दिया कितना 60 डिग्री, और आपसे पूछा क्या गया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, और आप जानते हैं थीटा एल और आर के मध्य संबंध होता है, थीटा बराबर एल बटा में आर, और अब आपको आर निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं एल बटा में थीटा। अब ये फॉर्मूला जो है थीटा का मान सदैव एक्सेप्ट करेगा रेडियन में, तो आप 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, ये तो याद ही होगा बेटा आपको, तो 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई बटा 3। तो आप कहोगे सर एल का मान रखिए 37.4 बटा में, यहाँ कितना आ गया पाई बटा में 3। अब ये 3 तो हमारा चला जाएगा ऊपर, ये देखिए, और पाई का मान यहाँ रख दिया जाएगा, पाई का मान 22 बटा में 7 होता है, वो 7 भी ऊपर चला गया, ठीक है बेटा। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, और जो भी आएगा, क्योंकि आपको बेटा लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई, तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी, या 35.7 या कुछ, मतलब इस तरह का कुछ आंसर आएगा, 35.7 या कुछ ऐसा, ठीक है ना। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गई त्रिज्या सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था। फिर मैं आपको बता दूं, थीटा बराबर होता है एल बटा में आर, जब किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है चाप बटा में त्रिज्या। ये डायग्राम के द्वारा मैंने समझाया हुआ है कि ए बी हमारे पास एक चाप है जिसकी लंबाई है एल, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण थीटा है, ठीक है, और ये ओ से लेके ए तक की दूरी और ओ से लेके बी तक की दूरी त्रिज्या का काम कर रही है। तो इस थीटा का, थीटा को ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया थीटा बराबर एल बटा में आर, और ये फॉर्मूला सदैव रेडियन में ही मान देता है। चलो इसी तरह से बेटा हम पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो पढ़िए कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है, अब की बार बेटा आपको वृत्त की त्रिज्या दे दी, आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 कि रेडियस आपके पास में है 100 सेमी, ठीक है, 100 सेमी आपके पास में रेडियस है, चाप की लंबाई यानी एल का मान कितना है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया पढ़िए कि केंद्र पर आंतरित कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। पहले आप कोण निकालिए, कोण निकालने का सूत्र होता है एल बटा में आर, और ये कोण हमेशा कोण किस में आएगा रेडियन में, ठीक है। तो थीटा बराबर एल, एल कितना है बोलो बेटा 22 बटा में आर कितना है बेटा बोलो 100, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर 2 के पहाड़े से इसको 11 पर और इसको 50 पर कट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर देखिए आप यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, अब ये जो आपका कोण है ना 11 बटा 50 ये रेडियन में आया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि डिग्री में ज्ञात कीजिए, डिग्री में क्या, डिग्री में आपको ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे कि सर थीटा बराबर 11 बटा में 50 रेडियन में था, डिग्री में बनाने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा 180 बटा पाई से, किससे 180 बटा पाई से, समझ गए ना आप। जब डिग्री में बदलना होता है तो 180 ऊपर आता है, जब रेडियन में बदलना होता है तो पाई ऊपर आता है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और थीटा बराबर यहाँ देखिए 11 इंटू 18 इंटू में बटा में 5, यहाँ पाई का मान 22 बटा 7 रखा, 7 ऊपर चला गया, 2 की टेबल से 11 और 2 की टेबल से 9, ठीक है, और फिर ये कैंसिल, थीटा अलावा हो जाएगा 63 अपॉन में 5, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए ये डिग्री आ गया,
और डिग्री को इस तरह से हम बटा में लिख नहीं सकते हैं। तो पहले आप देखिए पाँच का भाग दीजिए, पूरा पूरा कितने बज जाता है 12 डिग्री। ये लो जी शेषफल कितना बच गया बेटा, 3 बच गया, बटा में है 5। अब इसको बेटा 60 से गुना कर दो और किस में बदल दो, मिनट में। याद आ रहा है कुछ बेटा, अपने दिमाग पर जोर डालिए। ये कट गया 12 पर, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। 12 डिग्री और 36 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर होगा, यानी क्या पूछा गया था आपसे, आपको बेटा एक तो चाप की लंबाई दी हुई थी और एक आपको कोण दिया हुआ था। लंबाई और कोण, सॉरी गलत पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 4 था। एक तो आपको बेटा त्रिज्या दी गई थी और एक चाप की लंबाई दी गई थी, कोण पूछा गया था। पहले आप कोण निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से कोण तो बेटा रेडियन में निकलेगा, उस रेडियन वाले कोण को लास्ट में जाके डिग्री में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि इसने लिखा था कि डिग्री में माप ज्ञात कीजिए, परंतु फॉर्मूला तो रेडियन में देता है ना हमें माप, ठीक है ना। तो रेडियन को लास्ट में जाके डिग्री में बदल दिया। तो ठीक है बेटा, आज का ये मैटर समझ गए, अब सिर्फ प्रश्न बचे हैं। ये बेसिक था जो 3.1 का रह गया था हमारा, और कल शुक्रवार को बेटा मैं आपको ग्रुप में 4 प्रश्न भेजूंगा, ठीक है। और सिलेबस मैं उसका बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको, उसको आप हल करके मेरे पास अपनी कॉपी भेजेंगे। थैंक यू।